का दोस्तों कॉलेज परीक्षाओं पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। कॉलेज गाइडलाइंस एग्ज़ाम को लेकर उच्च शिक्षा विभाग से, तो उच्च शिक्षा विभाग ने दोस्तों कुलपतियों पर छोड़ दिया है निर्णय कि विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षा तय करेंगे कॉलेज के कुलपति यानी यूनिवर्सिटी कुलपति, लॉकडाउन के बाद ले सकेंगे पेपर। तो दोस्तों रविशंकर विश्वविद्यालय KTU तथा दुर्ग विश्वविद्यालय प्रबंधन लॉकडाउन खत्म होने के बाद परीक्षा के संबंध में जारी करेंगे निर्देश। तो दोस्तों विश्वविद्यालय के छात्रों की स्थगित परीक्षा का निर्णय अब उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं लेंगे, बल्कि दोस्तों विश्वविद्यालय के कुलपति इसके लिए लेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने परीक्षा के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश विश्वविद्यालय के कुलपतियों को दे दिया गया है। दोस्तों लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अपने अपने स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करवा सकें, मतलब अपने हिसाब से एग्ज़ाम करवा सकेंगे, जिसमें परीक्षा में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय प्रबंधन का ही होगा। यह दोस्तों अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय प्रबंधन का होगा, जिसमें दोस्तों इस पैटर्न से होंगे एग्ज़ाम। तो पैटर्न यहाँ पर दोस्तों यहाँ उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार प्रथम और द्वितीय सत्र के छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन और तीसरे सत्र के छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन होगी। परीक्षा के दौरान कोविड का गाइडलाइन का पालन करते हुए एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रविशंकर विश्वविद्यालय KTU की परीक्षा होगी मई में। यहाँ पर जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रबंधन तथा कुशभ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों की स्थगित परीक्षा मई में होगी दोस्तों। संक्रमण के मद्देनज़र अप्रैल के आखिरी सप्ताह में परीक्षा के संबंध में घोषणा किया जाएगा और परीक्षा आयोजन करने के पूर्व उच्च शिक्षा विभाग को इसका सूचना दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर धनंजय देवांगन सचिव उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें कहा गया प्रथम और दूसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन होगी, तीसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय कुलपति अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन करवा सकते हैं अपने स्तर पर अपने हिसाब से दोस्तों। जिसमें उसके पश्चात दोस्तों गिरीश पांडे कुलपति रविशंकर विश्वविद्यालय, जिसमें परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कराने के लिए सक्षम है बोल रहे हैं, जिसमें संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मई के माह में परीक्षा आयोजन कराने पर विचार चल रहे हैं। कुलपति व दोस्तों परीक्षा विभाग के जिम्मेदारों की फाइनल बैठक के बाद ही परीक्षा के संबंध निर्णय या निर्देश दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब उच्च शिक्षा विभाग निर्णय न लेके विश्वविद्यालय कुलपति ही एग्ज़ाम को निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से छात्रों का एग्ज़ाम लेना है। लेकिन दोस्तों इसमें निर्णय ले दिया गया है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन और फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन होगी। लेकिन इसमें यह क्लियर नहीं किया गया कि दोस्तों प्राइवेट का एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा और सेमेस्टर का एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। लेकिन दोस्तों अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम इस पर क्लियर हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन दोस्तों आने वाले समय इस पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों यह बड़ी खबर है छात्रों के एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।